हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉशर्ट में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बीएड एस्पिरेंट के लिए। यूपी टीजीटी पीजीटी में आपकी जो है वैकेंसी आ चुकी है। 15,568 वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और कोई भी नया एक्सपीरियंस की जॉब होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। कैसे भरना है, कितनी फॉर्म फीस है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जॉब संबंधी नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज जो है, ठीक है, और आवेदन जो है 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 29 प्रारंभ तिथि हो जाएगी और एक महीने यानी पूरे 27 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और सबमिट करने के लिए 30 नवंबर तक है। तो ध्यान से देखते जल्दी जल्दी। और इसमें देखिए, आपको टीजीटी की बता रहा हूँ, टारगेट प्रशिक्षित स्नातक के लिए 12,913 पदों की, जिसमें अनारक्षित और आरक्षित सभी मिला के बालिका और बालक सबके लिए भरा गया है। तो महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिएगा। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर www.upssesb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। विज्ञापनों की संख्या घट बढ़ सकती है। और देखिए, प्रशिक्षित स्नातक विषय संवर्ग में विषय में एक से आवेदन ही से एक से अधिक आप जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं, और अभी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है आवेदन अलग अलग करना होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका लिखित होगा, इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 10% आरक्षण जो है EWS के लिए दिया जाएगा, ये साफ साफ दिया गया है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है TGT और PGT सबके लिए ध्यान से पता होगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। और देखिए, इसमें कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, साफ साफ बोला गया है, लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है। आपको जो है कैलकुलेटर ब्लूटूथ वगैरह का जो है आपको नहीं करना है यूज। और जो है हेल्पलाइन नंबर है आपको 0532-2466-851 पर आप कॉल करके जो है अपनी जानकारी ले सकते हैं। वैसे कोई विभाग उठाता नहीं है आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस का भुगतान करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिशन करना होगा आपको। प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन आपको सब वगैरह करना होगा। अगर आप कमेंट पे कहते हैं तो मैं जो है आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। सबमिट ध्यान से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म फीस ज़्यादा है, उसकी भी डिटेल बताऊँगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सामान्य OBC के लिए आपको जो है EWS के यहाँ पर छूट दी गई है, 400 रुपये है। सामान्य के लिए 700 रुपये है, क्या अच्छी बात है यहाँ पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 700 रुपये है, और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आपके 400 रुपये है, और इस बार जो है SC के लिए 200 रुपये रखा गया। फॉर्म फीस कुछ बड़ी है लग रहा है, और इस तरह से आपको 50 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। महिला के लिए 1 से 5 तक निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार कोई छूट नहीं दिया गया है। आप जिस कैटेगरी के रहेंगे उसी कैटेगरी में आपको जो है उसी हिसाब से आपको फोटो देना होगा। फोटो वगैरह सब साइज़ दी हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। रिक्त पद जो है आपको बताया गया है। आयु सीमा देखिए 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा के लिए आपको कुछ बताया नहीं गया है। तो वेतन काफ़ी अच्छे मिलने वाला है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,000 बेसिक पे होगा, 1,42,400 रुपये यानी 4600 ग्रेड पे की आपकी जाना। आरक्षण सभी वर्ग के हिसाब से जैसे राज्य मिलता है आपको दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र आपको यूपी में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा, इस तरह से आपको जो है। प्रश्न पत्र की बात करें तो 2 से 2 घंटे की समय अवधि होगी आपकी। प्रश्न पत्र का प्रारूप में जो है मल्टीपल चॉइस यानी आपको MR शीट वाली आएगी, ठीक है। काली बाल पेन से ही काला करना होगा, ध्यान रखिएगा, साफ साफ बोला गया है, काला पेन से ही आप गोला भरना होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आप बताया गया तदर्थ शिक्षक जो हैं उनके 1 वर्ष की सेवा पर 1.7 अंक दिया जाएगा, जो मतलब टीचर पहले रह चुके हैं और मतलब थोड़ा बहुत कार्य किया गया। तो तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में जो आपको प्राप्त होगा उसमें जो है कुल पूर्णांक 500 अंक का होगा, लिखित 465 अंक और अधिभार 35 अंकों को दिया जाएगा वेटेज। चयन हेतु मेरिट बनाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और सामान्य अध्ययन जो भी है मेन मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नवीनतम फोटो लगाना हुआ, साइन वगैरह सब ध्यान से करिएगा। परीक्षा सूची आपको दे दी जाएगी, आपको कुछ बताया नहीं है कब पेपर हो रहा, क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और 15,000 पोस्ट है यहाँ पे TGT PGT सबकी मिला के, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये सब प्रारूप दिया गया है जाति आय प्रमाण पत्र का। तो आइए PGT की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी आपके मन में डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको दूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जिसमें देख सकते हैं कि 2,595 पद हैं, और सेम जो है आपका क्राइटेरिया है यहाँ पे, साफ साफ बताया गया है कि घट बढ़ सकती है। हिंदी जो भी सब्जेक्ट के पेपर होंगे वो है, इसे मेन आपको जो है अलग है थोड़ा, कि इसमें पोस्ट बताया गया है, सारी चीज़ें सेम है और डेट भी वगैरह सब सेम दिए गए हैं।
बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा पल पल लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर आप सिलेबस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको भी बता दूंगा मैं। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है उसको भी बताइएगा और मैं उसको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। बस आप कमेंट करिएगा उसमें, ज़रूर से आपको मैं हर चीज़ का आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, फॉर्म फीस देख लीजिए, फॉर्म फीस सेम है, सेम पहले की तरह ही है, कुछ उसमें बदला नहीं गया है। ठीक है, दोनों PGT और TGT सब में सेम लिखा गया है। फॉर्म फीस के लिए कोई आपको छूट नहीं दी जा रही है ज़्यादा, महिलाओं के लिए भी इस वक्त कोई छूट नहीं है, जिस कैटेगरी के है उसी कैटेगरी के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से है। तो साक्षात्कार है कि देखिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी सी अलग है, पर लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा PGT वाले पेपर में। तो इसमें साक्षात्कार के 10 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान के आधार पर 10-4%, व्यक्तिगत परीक्षण दिया जाएगा 3 अंक और अभ्यर्थी की योग्यता आपको लिया जाएगा 3 अंक के लिए। तो इस तरह से आपको मेरिट बनाया जाएगा, देख सकते हैं मेरिट कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। तो विशेष अधिभार योग्यता साक्षात्कार का 50 अंक आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, और विशेष योग्यता रखें जैसे डॉक्टर की उपाधि, MEd, BEd वगैरह है, तो 25 अंक उसके दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका मेरिट बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा आपको 390 अंकों की होगी, इस तरह बताया गया। समावधि 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, परीक्षा तिथि आपको बता दी जाएगी, ईमेल वगैरह, ID सब ध्यान से फोटो वगैरह अपलोड करिएगा, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ नहीं है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो बताया गया समय सारणी, हिंदी जनरल में इतनी सीटें हैं, हिंदी के लिए 200 हैं, इस तरह से आपको सीटें बताई गई हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के जितने विषय हैं सब सीटें बताई गई हैं किस किस यहाँ पर हैं। तो हिंदी का जो है प्रश्न पत्र सब दिया गया अधिमान वरीयता, तो इसे जो भी डाउट होगा बताइएगा। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, शेयर जरूर कर दिया। जय जय भारत।